मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी घटना के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। अगर कोई इस तरह की हरकतें करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं बल्कि लोगों की भावनाएँ भी आहत होती हैं। तो खाना सभी को मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए, कोई बिना मिलावट के मिलना चाहिए। और थूक जहाज जैसे जो जिस प्रकार से खाने को प्रदूषित करने का ये जो वीडियो आया है ये बहुत ही ख़राब है। इससे केवल यही नहीं पूरे देश इस दुनिया के अंदर इस प्रकार से लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैंने कहा कि थूक जहाज हो या लैंड जहाज हो वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबा जैसे व्यावसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन संस्थानों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। वहीं खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य कारोबारियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की सहायता ली जाएगी। इस दिशा में पहली कार्रवाई मसूरी क्षेत्र में की गई जहां अभियुक्तों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। इस तरह के घृणित और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके।